बलाएं दाखिल नहीं होती है। हदीस के जो रावी होते हैं उस रावियों के नामों को सनद कहा जाता है। क्या कहते हैं? जरा जोर से बोलो। सनद में सात नाम ऐसे आए हैं, सुनिए। पहला नाम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर से वो हदीस कौन लिए? हजरत अली। हजरत अली ने फरमाया, उनसे कौन सुने? हजरत इमाम हसन। इमाम हसन ने फरमाया, उनसे कौन सुने? हजरत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने फरमाया, उनसे कौन सुने? इमाम जैनुल आबिदीन। इमाम जैनुल आबिदीन ने फिर हदीस फरमाया, उनसे कौन सुने? इमाम बाकिर। फिर इमाम बाकिर ने फरमाया, उनसे कौन सुने? इमाम जाफर सादिक। अब इमाम जाफर सादिक से जो रावी सुनते हैं वो रावी बयान करते हैं, वो रावी बयान करते हैं, ये जो सनद में नाम आए हैं, हजरत जाफर ने हदीस सुना अपने वालिद हजरत बाकिर से, हजरत बाकिर ने हदीस सुना अपने बाबा इमाम जैनुल आबिदीन से, इमाम जैनुल आबिदीन ने हदीस सुना अपने बाबा इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन ने हदीस सुना अपने बाबा इमाम हसन से, इमाम हसन ने हदीस सुना अपने बाबा अलीउल मुर्तजा से, अलीउल मुर्तजा ने हदीस सुना अपने नबी रसूल मुअज्जम मोहम्मद अरबी से। अब वो रावी बयान करते हैं, अगर ये नाम जो सात नाम है, अगर इन नामों को उंगलियों पे गिनकर पढ़ो, पढ़कर अगर किसी दीवाने मजनू पर फूंक दो तो उसका दीवाना पर खत्म हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह ने इनके नामों को यह तासीर अता, नामों का ये आलम है तो जात का आलम क्या होगा? नहीं, इसीलिए अल मदद या अली बोलते रहना जी। पहले बोलते थे लोग अली की मदद, अल मदद या अली। अब ये बाजू वाले शिर्क 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 मुर्दा निकाल दिए कौम के अकीदों का, और ये अपनी भोली भाली कौम बिचारे जुम्मे के दिन भी जुमा की नमाज हुए जमात खड़े हो बाद मस्जिद को आते, मौलाना का बयान सुनते नहीं, आलिमों के बातों में महफिलों में बैठते नहीं, आलिमों की सोहबत और दोस्ती इख्तियार करते नहीं। ये हमारी बिल्कुल सुबह से दुनिया में सबसे भोले भाली कौम कौन है मालूम? मुसलमान। मुसलमानों में सबसे बिल्कुल भोली होली कौम सुन्नी। इसकी उतनी भोली कौम पूरी दुनिया में नहीं है भाई। उसको पकड़ के 40 दिन लग गए, उसकी नाक काट दा लोगों ने, वो छोड़ने को तैयारी नहीं है। और अपना भाई बाबा सुन्नी, दादा सुन्नी, परदादा सुन्नी, सकर दादा सुन्नी, चक्कर दादा सुन्नी, पकड़ दादा सुन्नी, फिर इसके सामने आ गए। जरा इधर आइए जी। अल्लाह के दिन की फिक्र करिए अल्लाह जी, नाम लिखाइए, तीन दिन लिखिए। ये इतनी भोली कौम, ये इतना दीन से दूर रहने वाली कौम, ऐसे मत करो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। आशिक बनो आशिक, अरे ऐसे आशिक बनो तुम उठो तो या फौज का नारा बुलंद हो जाए, अरे ऐसे आशिक बनो तो तुम चलो तो अली का नारा बुलंद हो जाए, अरे ऐसे आशिक बनो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कह
कहते कहते आशीष बनो यार, ये क्या जिंदगी है भाई यार, ऐसा ये क्या जिंदगी है, ऐसा है उस बनाना, अच्छा कुरान में, अच्छा हदीस में भी, ओ ऐसे कच्चे पक्के मत बनो, आशीष बनो आशीष। अरे मुसलमानों, तुम ऐसे बन जाओ कि अगर तुमको 2 किलोमीटर दूर से भी कोई आता हुआ देख ले तो कोई ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का बाप आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है, फुला का दोस्त आ रहा है। अरे देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। बनेंगे इंशाल्लाह। आओ मेरे हुसैन की बारगाह में चल के एक बात अर्ज कर देता हूं, उसके बाद फिर औलिया अल्लाह के मौजू पर आते हैं। देखो एक सहाबी के घर गोरा बच्चा पैदा हुआ, अब ये सुफेद, वो सहाबी थे सोले रंग के, कौन से रंग के जरा जोर से बोलो, सोले। सोले बोले तो इंडियन कलर को बोलते, इंडियन कलर। इंडियन कलर को सोला बोलते, अपन लोग कौन से कलर के, और जरा जोर से बोलो। देखो मैं यहां से लेके वहां तक देख रहा हूं, फिर वहां से लेके वो लास्ट में ग्राउंड के बाहर पुलिस की जीप ठहरी है वहां तक देख रहा हूं, मगर इसमें मेरे को एकदम गोरा अबियस कोई भी नहीं दिख रहा, व्हाइटिश वेरी वेरी फेयर बोलते, देखो वो नहीं दिख रहा, फेयर दिख रहे वेरी वेरी फेयर कोई भी नहीं दिख रहे, मगर ये पट्टे ये जितने बैठे हुए ना यहां अनमैरिड, इनकी ख्वाहिश है मैं बेगम गोरी हो। सौला कहते हैं इसको, बेगम गोरी होना कहते, ये गोरी की चक्कर में अम्मा बहना खाला चच्ची फूफू मामी 70-70 बच्चियों को देख रहे, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा मालूम, वो बच्ची को देखते 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 वो बच्ची इतना तंग आ जा रही, बोली ये मेरे कोई ने पसंद करता नहीं, ये मुसलमाना मेरे से शादी करते नहीं, ये मेरे कोई ने घर में लेके जाता नहीं, मेरे को रंग देखे तो बाला पसंद नहीं आते, बाला पसंद आए तो नाक पसंद नहीं आती, नाक पसंद आए तो हाइट पसंद नहीं आती, हाइट पसंद आए तो क्वालिफिकेशन पसंद नहीं आती, क्वालिफिकेशन पसंद आई तो खानदान पसंद नहीं आता। ये चक्कर में वो बच्चियां क्या कर रहे हैं, गैरों की गाड़ी पे बैठ के निकल जा रहे हैं। हसरे आप बोलने का वक्त है, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, गलती बच्ची की नहीं है, वो पॉइंट टू बी नोटेड, वो गाड़ी पे बैठने वाले की गलती नहीं है, उसको गाड़ी पे हम बिठाए, उसके अंदर 26 खामियां ढूंढ रहे, उसके अंदर 40 नुक्स निकाल रहे, उसके मां बाप को शर्मिंदा जलील और रुसवा कर रहे, जिसकी बुनियाद पे वो बच्ची गैरों के साथ गाड़ी पे बैठने पे मजबूर, पहले दिन बैठती है, दूसरे दिन बात करती है, तीसरे दिन आशी निकलती है, चौथे दिन उससे शादी करके थोड़े दिन बाद उसके बच्चे की मां बन जाती है। अब उसके बाद हमारा मुसलमान जोश में आता, हाँ खैर के साथ बैठी, गाड़ी बीच में रुकाता, 4-5 पंचा मारता, वीडियो बनाता, फेसबुक पे डालता, क्या कह रहा, हाँ पट्टा टाइगर ऑफ नागपुर, टाइगर ऑफ महाराष्ट्र, आज एक का मुंह फोड़ दिया, अपनी बहन को बिठा के ले जा रहा था, बे हौले तू बिठा लेता तो उन्हें कहीं को बिठाता था। मेरे प्यारे भाइयों।